नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को लेके कुछ समस्याएं आ रही है, जिसको लेके इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, पंचायती राज विभाग के द्वारा जो सोलर स्ट्रीट लाइट योजना पर काम किया जा रहा है, और यह जो काम है ब्रेडा एजेंसी के माध्यम से पूरा किया जा रहा है, इसमें एक बड़ी समस्या आ रही है। मुखिया प्रतिनिधियों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है, इसकी कीमत लगभग 35,000 रुपया है, और इस 35,000 रुपया में कमी की जा रही है। जो लाइट लगाई जा रही है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है, जिसको लेकर उसमें समस्याएँ आ रही है, और इसको लेके मुखिया संघ के द्वारा आवाज़ भी उठाया जा रहा है। उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि ब्रेडा एजेंसी के माध्यम से इसलिए लाइट लगाया जा रहा है ताकि योजना में भ्रष्टाचार ना हो, और 5 साल की जो निगरानी है वो एजेंसी के माध्यम से किया जाए, लेकिन इसमें कमियां पाई जा रही है। जो एजेंसी के माध्यम से लाइट लगाई जा रही है, इस यह गुणवत्तापूर्ण नहीं है, जिसको लेके मुखिया प्रतिनिधि नाराजगी व्यक्त किए हैं। सबसे पहले बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के सिसवा पंचायत में इस योजना पर काम शुरू किया गया था, और वहां पर भी लाइट की समस्या आई थी, लेकिन उस वक्त किसी के द्वारा आवाज़ नहीं उठाया गया था, क्योंकि योजना नई थी और पहली बार ट्रायल के रूप में वहां पे सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया गया था। लेकिन 1 महीना के बाद उसमें कंप्लेन आया था, लगभग 8-10 लाइटें खराब हो चुकी थी, और बताया जा रहा था कि लाइट अगर खराब होती है तो ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था है, जो टेक्नीशियन है ब्रेडा एजेंसी के वो खुद जाकर उसे ठीक करेंगे, किसी वार्ड सदस्य किसी मुखिया को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब वहाँ पे लाइट खराब हुई थी तो सभी लोग वार्ड सदस्य को परेशान कर रहे थे। स्वाभाविक है, पंचायत में जो भी योजनाओं पर काम हो रही है, सभी लोग अगर शिकायत आती है तो वार्ड सदस्य या मुखिया प्रतिनिधि से ही बोलते हैं। भले ही ब्रेडा एजेंसी के माध्यम से सोलर स्ट्रीट लाइट योजना पर काम किया जा रहा है, लेकिन जब उसमें समस्या आ रही है तो पंचायत प्रतिनिधियों के पास ही शिकायत आ रही है, जबकि पंचायत प्रतिनिधियों का इसमें कोई रोल नहीं है। तो अब मुखिया प्रतिनिधियों के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को लेकर, उसकी गुणवत्ता को लेकर आवाज़ उठना शुरू हो चुका है। अगर इसमें कहीं से कोई कमियां पाई जाती है तो अब मुखिया प्रतिनिधि चुप बैठने वाले नहीं हैं, और कहीं ना कहीं वार्ड सदस्य भी इसको लेकर नाराजगी व्यक्त करने में लगे हुए हैं। पंचायत में जो भी सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जा रहे हैं, उसमें कहीं से भी कोई कमी आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके यहाँ अगर सोलर स्ट्रीट लाइट पर काम हो चुका है और वहाँ पर भी शिकायत आ रही है, अगर लाइट में खराबी आ रही है, लाइट नहीं जल रही है, या लाइट टूटा हुआ है, या पैनल फूटा हुआ है, तो इसको लेकर आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, ताकि बिहारवासी जान सके कि ब्रेडा एजेंसी के माध्यम से जो काम किया जा रहा है वो किस प्रकार से किया जा रहा है। बाकी बने रहे हमारे इस चैनल पे, और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।